हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड टू लर्न प्रॉपरली। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर, सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट अस स्टार्ट। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड? लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के पोइट कौन है? ऑप्शन ए फोवे कैरी, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी रुडयार्ड किपलिंग। द पोइट ऑफ दिस पोयम इज फोवे कैरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फोवे कैरी। नेक्स्ट, द पोयम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एंड ए सेंट। पोयम नरेट्स वर्णन करती है लेजेंड्स, दंत कथा, फोल्क स्टोरी किसकी? ए सेंट और ए यंग गर्ल, बी ओल्ड मैन, सी एन ओल्ड लेडी, सी डी एन एग्रोरेंट नाइट। द पोयम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड ए सेंट, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एन ओल्ड लेडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंडीशन ऑफ नॉर्थलैंड इन विंटर? कौन सा ऑप्शन कंडीशन ऑफ द नॉर्थलैंड इन विंटर के लिए करेक्ट है? इनके विंटर में कंडीशन क्या होती है नॉर्थलैंड की, उत्तरी ध्रुव की? कौन कौन से वहाँ पर कंट्री हैं, जैसे नॉर्वे है, कनाडा है, साइबेरिया है, तो वहाँ पर क्या कंडीशन होती है? द नाइट्स आर सो शॉर्ट, द डेज आर सो लॉन्ग, द नाइट्स आर सो लॉन्ग, द नाइट्स एंड डेज आर इक्वल। ऑप्शन ए नाइट्स आर सो शॉर्ट, रातें छोटी होती हैं, डेज आर सो लॉन्ग, दिन लंबे होते हैं, द नाइट्स आर सो लॉन्ग, रातें लंबी होती हैं, द नाइट्स एंड डेज आर इक्वल, रातें और दिन बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइट्स आर टू लॉन्ग, वहाँ पर रात्रि लंबी होती है। नेक्स्ट, व्हाई डू द चिल्ड्रन ऑफ द नॉर्थलैंड लुक लाइक बियर्स कब वहन इट स्नोज? जब बर्फबारी होती है तो वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं वो कुछ इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिससे वो बियर्स कब के समान दिखाई पड़ते हैं, भालू के बच्चे के समान दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन ए दे वियर फरनी फरी क्लॉथ्स, दे ईट ए लॉट ऑफ हनी टू कीप वार्म, दे स्लीप ऑल डे टू एस्केप कोल्ड, दे आर वेरी क्यूट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दे वियर फनी फरी क्लॉथ्स, वे फनी कैप फनी क्लॉथ्स पहनते हैं, फरी क्लॉथ्स पहनते हैं, रोएदार कपड़े पहनते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो दे लुक लाइक कप्स, बियर्स कप। नेक्स्ट, What is the opinion of the poet about the legend of the Northland? Legend दंत कथा of the Northland के बारे में कवि की क्या opinion है, राय है, क्या विचार है? He believes to be true, he does not believe to be true, he believes to be partly true, the poem does not acknowledge any view, he does not believe to be true. Option B is correct. Next, what is the name of saint? Saint ka kya naam tha, kya naam hai? Who went to old lady home? A Valganin, D जोहन, सी जॉर्ज, डी पीटर। ही वाज
सेंट पीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. यू मे सी इन द पिक्चर सेंट पीटर. नेक्स्ट, व्हाट वॉज द लिटिल वुमेन डूइंग बहन द सेंट पीटर रीच्ड द कॉटेज डोर. ओल्ड लेडी क्या कर रही थी. यू मे सी कॉटेज ऑफ ओल्ड लेडी. इन दिस हाउस वहन सेंट पीटर रीच्ड हर होम. व्हाट वॉज सी डूइंग. सेलिंग बिस्किट्स, मेकिंग सूप, मेकिंग केक्स, सेलिंग फ्रूट्स. सी वॉज मेकिंग केक्स. बहन सेंट पीटर रीच्ड एट हर होम. नेक्स्ट, व्हाट वॉज द सेंट फेंटिंग. सेंट फेंटिंग क्यों महसूस कर रहा था. बेहोशी सी महसूस क्यों कर रहा था. बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, अत्यधिक ठंड के कारण. बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ट्रैवलिंग, अत्यधिक यात्रा के कारण. थकान के कारण. वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के कारण. फास्टिंग, एक दो दिन से उसे भोजन नहीं मिला था, उसने उपवास रखे हुए था. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ मैनी केक्स द सेंट आस्क्ड फॉर. सेंट पीटर, व्हेन सेंट पीटर रीच द होम ऑफ ओल्ड लेडी, ही आस्क्ड हाउ मैनी. ही आस्क्ड फॉर हाउ मैनी केक्स. सिंगल वन, ए लार्ज केक, डबल केक, ट्रिपल केक. ही आस्क्ड फॉर सिंगल केक. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. यू मे सी इन द पिक्चर एन ओल्ड लेडी इज मेकिंग केक्स एंड सेंट पीटर इज स्टैंडिंग बिहाइंड. ही आस्क्ड फॉर सिंगल केक टू गिव हिम. नेक्स्ट, द वुमेन वॉज अनविलिंग टू गिव द केक टू द सेंट बिकॉज इट सीम्ड टू हर. बूढ़ी स्त्री अनविलिंग थी, अनिच्छुक थी केक देने में सेंट को, पीटर सेंट को, क्योंकि उसको लगता था अनइवनली कुक्ड, टू लार्ज टू गिव अवे, नॉट सॉफ्ट एनफ, नन ऑफ दीज. टू लार्ज टू बी टू गिव अवे, यानी कि सी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव लार्ज केक टू सेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, एंड बेक्ड इज थिन एज ए वेफर. आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड द अबव लाइन. सिमली, एलिट्रेशन, इरोनी, मेटाफोर. एंड बेक इज एज थिन, थिन एज ए वेफर. इन दिस लाइन एज इज यूज्ड लाइक एज. सो आर यूज्ड इन सिमली. सो लिटरेरी डिवाइस इन दिस लाइन इज सिमली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इमोशन डिड द सेंट. सो बहन द वुमेन प्रोवोक्ड हिम. व्हाट इमोशन, क्या भाव. सेंट, सो सेंट ने दिखाया. बहन वुमेन प्रोवोक्ड हिम. सरप्राइज, ग्रीफ, एंगर, जॉय. ही बिकेम एंगर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू मे सी पिक्चर ऑफ द सेंट पीटर. ही हैज बिकम एंग्री. यू मे सी फेस ऑफ द सेंट पीटर. ही इज एंग्री. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द वुमेन. ओल्ड लेडी के नेचर को क्या रिफ्लेक्ट करता है. इन दिस पोयम कौन से वर्ड. काइंड एंड जेंटिल, ह्यूमबल एंड चेयरफुल, सेल्फिश एंड ग्रीडी,
arrogant and grateful. She was selfish and greedy. She was selfish and greedy. You may say in the picture, this old lady was selfish and greedy. Swarthi or lalchi thi. Which of the following animals is not the part of the poem? नीचे दिए गए किस एनिमल में एनिमल पोएम का पार्ट नहीं है? रेंडियर. रेंडियर आर यूज्ड टू ड्रा स्लेज. बियर आर इन दिस नॉर्थलैंड. वुड पिकर इज यूज्ड एंड स्क्वायरल इज नॉट यूज्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट यूज्ड इन दिस पोएम? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्क्वायरल. नेक्स्ट, विच क्रिएचर द वुमेन गॉट कन्वर्टेड इन टू? बहन सेंट बीकेम एंग्री, ही कस्ड हर. गॉट कन्वर्टेड इन टू ए बर्ड, वुड पीकर, ए बर्ड पैरट, एन एनिमल माउस, नन ऑफ अबव. She got converted into a bird, woodpecker, cut folwa. Option A is correct. You may see in the picture, woodpecker works hard to get her food. She hurt trunk of a tree. She is doing in this picture. Next. What did the woman have on her head? Woman अपने हेड पर क्या रखती थी, क्या रखे हुए है? An emerald tiara, sparkling ribbon, scarlet cap, a senna hat. Woman had on her head a scarlet cap. So option C is correct. You may see in the picture, it is dark red. What happened to the woman's rest of the clothes? उस old lady के कपड़े को अंत में क्या हुआ? They were remained as still object. They turned into feathers. They were burned, none of these. वे पहले जैसे रहे, turn into feather, पंखों में बदल गए. They were burned, वे जल गए, none of above, उनमें से कोई नहीं. यहाँ पर ये आर एक्स्ट्रा यूज है. दे रिमेंड एज स्टिल ऑब्जेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दे वर वर्न पे जल गए. ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लेम, आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस. ऊपर की लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लेम. एज इज यूज्ड, एज इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमली. सो करेक्ट लिटरेरी डिवाइस इज सिमली. नेक्स्ट, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए. ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड किस प्रकार की पोयम है? वैलेट. वैलेट इज द लॉन्ग स्टोरी, फोक स्टोरी, सोनेट्स 14 लाइन्स पोयम, लाइमरिक 19 लाइन्स पोयम, फ्री वर्स. देयर इज नो राइमिंग वर्ड्स इन फ्री वर्स. सो दिस पोयम इज वालार्ड, दिस पोयम इज वैलिड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. स्टोरी पोयम. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही ओल्ड यू नो, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन द अबव स्टंजा.
अबव स्टंजा में कौन सी राइमिंग स्कीम है? पीटर, लास्ट बर्ड, ए बिलो, नेक्स्ट बर्ड बी, प्रीचिंग सी, नो नो रैमिंग्स विद बिलो। तो बी सेल यूज बी फॉर इट, बिलो नो आर रैमिंग वर्ड्स, सो राइमिंग स्कीम विल बी ए बी सी बी, ए बी ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम इन दिस स्टंजा। नेक्स्ट, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन दिस लाइन। बोरिंग 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 आर यूज्ड 3 times, रिपीटेशन हुआ है, सो लिटरेरी डिवाइस विल बी रिपीटेशन। वर्ड रिपीट हुए हैं, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। नेक्स्ट, एलिट्रेशन, डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन टू मोर क्लोज वर्ड। क्लोज वर्ड में रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड टू और मोर क्लोज वर्ड्स, तो यहाँ पर टू और मोर क्लोज वर्ड जिनमें रिपीटेशन हुआ है, दैट दे रिपीटेशन ऑफ टी कॉन्सोनेंट इन सेकेंड लाइन, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट दे दी एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक इन फोर्थ लाइन, इन देयर हरी हनी फरी, हनी और फरी। इन नेक्स्ट, दे टेल नेक्स्ट, एंड यू यट यू मे यट और यू। इन नेक्स्ट, टेल दी टेल नेक्स्ट, एंड बियरिंग द फेंट विद फास्टिंग, फेंट एंड फास्टिंग। एंड यू सेल विल्ड एज द बर्ड, बिल्ड और वर्ड आर यूज्ड क्लोज वर्ड्स। क्लोज वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स, कॉन्सोनेंट साउंड और रिपीटेशन। रिपीटेशन हुआ है कॉन्सोनेंट वर्ड का, दे आर क्लोज वर्ड। अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस स्टंजा आर एलिट्रेशन। नेक्स्ट, रिपीटेशन, एनी वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड। कोई वर्ड और सेंटेंस यहाँ पर रिपीट होता है, अवे अवे इन द फर्स्ट लाइन, इन द सेकेंड लाइन रोल्ड एंड रोल्ड, इन द थर्ड लाइन बोर बोर आर यूज्ड एज ए रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स इन दीज लाइन्स, सो रिपीटेशन एनी वर्ड एनी सेंटेंस इन द स्टंजा। नेक्स्ट, सिमली, सिमली कंपैरिजन यूजिंग एज लाइक इन द स्टंजा लाइन, ब्लैक एज कोल, चिल्ड्रन लुक लाइक एज बियर्स कप, एंड बेक्ड इट एज वेफर, थिन एज वेफर, चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। एज इज यूज्ड, लाइक इज यूज्ड, एंड थर्ड लाइन एज इज यूज्ड। सो सिमली इज द कंपैरिजन ऑफ लाइक और एज, कंपैरिजन वर्ड आर यूज्ड इन सिमली। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट MCQ ऑफ दिस वीडियो। इफ वीडियो इज यूजफुल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू व्यूअर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।